हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है उस पर पुरुष है, वाई एक्सिस पर जो है वो प्रकृति है यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, और जो जेड एक्सिस है वहाँ पर सोल है, ठीक है। और फिर यहाँ पर डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफीज हैं। बुद्धिज़्म बिल्कुल बीच में है ओरिजिन पे, देखो आप वहाँ पर, ठीक है। तो बुद्धिज़्म जो है वो एक ऐसा है जो बिल्कुल ओरिजिन पे है, वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करता, ना तो वो आत्मा को फोकस कर रहा है, ना वो पुरुष को फोकस कर रहा है, ना वो प्रकृति को फोकस कर रहा है। बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल मौन है, ठीक है। अब जैनिज़्म देखो आप, जैनिज़्म जेड एक्सिस पर है, वो सोल को जो है वो एम्फोसाइज कर रहा है, और सोल की उसने चार अवस्थाएँ बताई हैं। हेवन है एक अवस्था, एक हेल है, एक ह्यूमन है, ठीक है, इसी प्रकार से, और एक जो है वो आप कह सकते हो कि ह्यूमन से नीचे जो है वो है। तो ये चार अवस्थाएं हैं जैनिज़्म में आत्मा की। तो जैनिज़्म कहता है कि आत्मा को आप सुप्रीम मानो, और उसी की अपलिफ्टमेंट के लिए जीवन की जो है उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अधोगति मत करो, ऊर्ध्व गति करो, ये जैनिज़्म के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि जो चार अवस्थाएँ हैं वो आत्मा की क्या हैं, एनिमल, हेल और ह्यूमन और हेवन, ये चार हैं अवस्थाएँ। तो इसमें हमको हेवन में जाना है। तो ये जैनिज़्म है। जैनिज़्म वैसे भी आप जानते हो कि हिंदुओं से हमेशा जुड़ा रहा, और हिंदुज़म में और जैनिज़्म में कोई विशेष डिफरेंस है नहीं, और रिचुअल्स भी होते हैं जैनिज़्म में। तो वैसे तो बहुत एक्सट्रीम है जैनिज़्म, बट इन प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो वो हिंदुओं के अगेंस्ट कभी नहीं था, और हिंदुओं से हमेशा जुड़ा रहा। तो वो सोल को एम्फोसाइज कर रहा है। एक्स एक्सिस पर आप देखो क्या है। एक्स एक्सिस पर आपके दो पॉइंट हैं। सबसे राइट में तो है आपका वेदांत, ठीक है। वेदांतिक फिलॉसफी तो पुरुष को कहती है कि जो एटर्नल, जो कांस्टेंट रियलिटी है वो पुरुष है। उससे पहले क्या है, उससे पहले द्वैत है, ठीक है। और ये जो द्वैत है ये क्या कहता है कि थोड़ा सा प्लस है, मतलब ये पुरुष की तरफ टेंड कर रहा है, आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर चले जाओ आप, ठीक है, तो उधर आपका देखो लेफ्ट साइड में मीमांसा है। मीमांसा कहती है सही काम करो, और अच्छा काम करना और सही काम करना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये है इसमें जो आपका मीमांसा है। उसके बाद में चारवाक है, वो तो आप जानती हो बिल्कुल, वाई एक्सिस के ऊपर है चारवाक। वो क्या बोलता है, खाओ पियो मस्त रहो। और राइट साइड में ऊपर, सबसे ऊपर सांख्य है। सांख्य कहता है कि प्रकृति भी इम्पोर्टेंट है और पुरुष भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो ये जो लोकेशन है ना एक्स वाई जेड एक्सिस पर, इससे आप आसानी समझ सकते हो कि कौन सा जो है स्कूल ऑफ थॉट किस चीज़ को एम्फोसाइज कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर है। और आगे हम और डिस्कस करेंगे। बुद्धिज़्म बिल्कुल ओरिजिन पे है। थैंक यू।